बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। द सब्जेक्ट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको लास्ट कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने पढ़ा था एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया। इस दफा जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से सब्जेक्ट है, और फर्क शुरू में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम नॉर्मली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू स्मॉल, इसके अंदर एन आता है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके स्टैंडर्ड का कोड जो है वो 5000 है। जबकि अगर मैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS के साथ आता है, और इसका जो नंबर है इसको जो कोड किया हुआ है दैट इज 14001। तो क्योंकि हमारा बेसिक फोकस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे है तो हम इसको ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरे स्टैंडर्ड्स के साथ भी इंटीग्रेट हो रहा होगा, तो वो भी मैं आपको फर्दर डिस्कस कर दूंगा। लेकिन फिलहाल हम इसको लेकर चलते हैं कि व्हाट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की नीड क्यों होती है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम किसने डिजाइन किया है और हु हैज डिजाइन इट, किसने इसको डिजाइन किया है, फिर इसकी साइकिल क्या है और इसकी साइकिल के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बेसिक से लेकर चलता हूँ। फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि करंटली एनरोल हुए हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से इसको सीख लें। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसका स्कोप क्या है। देखिए आजकल की जो बढ़ती हुई दुनिया है उसके अंदर हमारा मेजर स्कोप है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की बढ़ती हुई डिमांड इस वजह से है कि दे आर सम इंटरनेशनल रेगुलेशन, कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं जिसको कंपनीज को फॉलो करना हो। अगर कंपनीज उसको फॉलो नहीं करेंगी, उसको कंप्लायंस पे नहीं लाएंगी, तो दे कैन नॉट ऑपरेट इंटरनेशनली, वो इंटरनेशनली ऑपरेशन नहीं कर सकती, वो अपना इवन माल भी नहीं बेच सकती, उनको परचेज ऑर्डर नहीं मिलते। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मैं अपने पाकिस्तान की बात बताऊँ तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका माल जब तक नहीं बिकता, प्रोडक्ट जब तक नहीं बिकती, जब तक कि वो उनके पास कोई सर्टिफिकेशन या उनके पास एनवायरमेंटल कंप्लायंस पूरी ना हो। ठीक है, तो स्कोप ये है कि एवरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एवरी फार्मा इंडस्ट्री, कोई भी ऑपरेशन इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, इवन कोई गोडाउन भी है, तो उसको भी अपना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम दिखाना होगा, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री is going to produce some type of waste, ठीक है? हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो आप उसको मैनेज करना है, तो इस मैनेजमेंट की इंटरनेशनल रेगुलेशन भी है। उस इंटरनेशनल रेगुलेशन के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इंटरनेशनल रेगुलेशन उसका एक अलग चैप्टर है। बहरहाल इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है, इस सब्जेक्ट स्पेशली इस सब्जेक्ट के अंदर लोग सर्टिफिकेशन करके भी बहुत सारी अर्निंग करते हैं। इवन हमारे पाकिस्तान की बात, आप दुबई की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, या फॉरेन कंट्रीज की बात करें, आप US UK की बात करें, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक पे जाने से पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि EMS कहाँ से स्टार्ट हुआ और EMS मतलब इसका ओरिजिन क्या और कौन सा इदारा है जो इसको हैंडल कर रहा है इंटरनेशनली, और क्या इसका कोड है, क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह कोई भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको रन कर सकता है। तो इस पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात करते हैं ISO की। ISO की बात करेंगे, ISO इंटरनेशनली एक इदारा है जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। ISO इसमें लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं, वो कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इसका जो करेक्ट नाम है लिखूं आपको,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ कोई इदारा है जो कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, ठीक है। तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ का। इसके अलावा मैं आपको इसकी बैकएंड की थ्योरी बता दूं कि आईएसओ क्या था। आईएसओ सबसे पहले अपने एक स्टैंडर्ड के साथ उभरा, जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड बहुत मशहूर हुआ था, आईएसओ 9001। और इट वाज फर्स्ट आई थिंक इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। जब उसका मुझे इसका ये दिया ईयर याद है, या इससे जो सत्ता पुराना हो, लेकिन 2008 बहुत मशहूर हुआ था। तो आईएसओ 9001 और ये टोटल पेश करता था इस पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ का फर्स्ट स्टैंडर्ड था, यानी आईएसओ 9001। और इसको जो इसका फोकस था वो था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी। फिर सेकंड नंबर पे इन्होंने एक और स्टैंडर्ड आफ्टर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल कामयाबी के बाद आईएसओ की काफी सुनाई बात हुआ, कितना कामयाब हुआ, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट किया। जब इसको अडॉप्ट किया तो इसके बाद आईएसओ ने सेकंड एक और स्टैंडर्ड निकाला 14000 कोड के कोड से, यानी इसका जो मेजर कोड है 14000 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस पे बेस करा था, ईएमएस पे, जो था हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी को हम आगे लेके फर्दर चलेंगे। फिर इसके बाद जो है वो एक और मैनेजमेंट सिस्टम आते रहे बहुत सारे, एक ओसास के नाम से आया 18001, right? At that time OSAS was not recognized under ISO. OSAS एक अलग इदारा था, Occupational Health Safety Assessment Series के नाम से। तो ये एक अलग इदारा था, लेकिन ये ISO के अंदर नहीं आता था। तो ये normally जो आया था हमारा Health and Safety Management System पे आया था, HSMS। तो ये तीन standards बहुत मशहूर हुए थे और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम को अडॉप्ट करती है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि नॉर्मली जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स होते हैं, दीज स्टैंडर्ड्स आर अडॉप्टिव स्टैंडर्ड्स, इनके बाय फोर्स नहीं होते। मतलब ये है कि आईएसओ के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किया जाता है, मतलब ये कि कोई कंपलसरी या नेसेसरी, अब लाजमी नहीं है कि हर कंपनी को, किसी भी कंपनी को भी, तो आईएसओ वाले उसके ऊपर पहुंच जाएंगे कि आप इस स्टैंडर्ड्स को नहीं बाय फोर्स अप्लाई करेंगे। दिस इज नॉट बाय फोर्स, नॉट बाय फोर्स, ये बाय फोर्स नहीं है। कंपनी इसको अडॉप्ट करेगी, अडॉप्टेशन के बाद कंपनी जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। These standards are not compulsory, not by force. These standards are also known as adaptive standard. यानी कंपनी को अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो ISO क्या है, इसमें आपको थोड़ा बहुत गाइडलाइन दे दी। अच्छा, ISO की अगर आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है तो www.iso.org के नाम से ये इंटरनेट पे मौजूद है। अच्छा, अब अगेन बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक, अब मैं आज के हम बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स। यानी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के हवाले से स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगी। अगर मैं एनवायरमेंट के हवाले से बात करूँ तो एनवायरमेंट के हवाले से भी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेगी। अगर मैं सेफ्टी के हवाले से बात करूँ तो उसकी भी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेगी। एनर्जी के हवाले से बात करूँ तो इसके कोड्स हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह तकरीबन आईएसओ ने अब तक मोर देन 22,000 स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड
सो फार। तो अब तक जो है वो 22,000 से ज्यादा स्टैंडर्ड्स को आईएसओ ने डेवलप कर चुका है। इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, ऑटोमोबाइल्स के हवाले से हैं और आपकी इंडस्ट्री फूड सेफ्टी के हवाले से हैं, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से हैं, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, एनर्जी मैनेजमेंट के हवाले से हैं और इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से हैं, इवन कैश के हवाले से, आपकी करेंसी के हवाले से इन्होंने सिस्टम बनाए हैं। ठीक है, तो उन सिस्टम को मकसद बनाने के है कि इंटरनेशनली इन स्टैंडर्ड्स को एडॉप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन एक पेज पे आ गई। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर है या कोई फार्मा है, वो आईएसओ 14,001 को एडॉप्ट करती है, तो यहाँ पे अगर एक इंडस्ट्री उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके जैसे काम कर रही है तो यही अगर आईएसओ का प्रोसीजर इंडिया वालों ने अडॉप्ट किया, इंडिया में भी बिल्कुल वैसे काम हो रहा होगा। और वही स्टैंडर्ड क्या है आपका मिडल ईस्ट के अंदर, तो वो भी उसी स्टैंडर्ड्स पे जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स है, आईएसओ ने जो प्रोटोकॉल्स बताए। और वही अगर यूके के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो वही स्टैंडर्ड्स वहां पे भी वो कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसी प्रोसीजर्स पे उसी पैटर्न पे काम कर रही होंगी। तो मकसद क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड डेवलप कर देना जो कि इंटरनेशनली सबको सिंक्रोनाइज कर दे एक पेज पे आए। मतलब क्वालिटी के हवाले से अगर फार्मा है तो फार्मा की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आईएसओ ने ये बना दी, तो जो उसको अडॉप्ट करेगा वो एक पेज पे आ जाए। ठीक है, तो इंटरनेशनली और स्टैंडर्ड्स को बनाना डेवलप करना सो दैट देयर शुड बी सम सिंक्रोनाइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंट्रा कंट्री हो या इंटर कंट्री हो, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हो या विद द सेम कंट्री हो, आपको का बोल ना चाहिए तो आप बोल आपकी डेविस कंपनी है, आईएसओ का स्टैंडर्ड इन्होंने अडॉप्ट किया है। अगर एक स्टैंडर्ड इन्होंने अडॉप्ट किया है तो वो अगर कराची में बोले, सिंध के किसी इलाके में बोले, पंजाब के किसी इलाके में बोले, तो जब वो आईएसओ को अडॉप्टेशन की बात करेंगी तो स्टैंडर्ड सबका या प्रोसीजर्स या एसओपी सबकी सेम होगी और दैट इज वो होंगी जो कि आईएसओ ने उनको डिजाइन किया है। तो यहां बताया हम से कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को ये डिजाइन करते हैं ताकि बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज एट डिफरेंट लोकेशंस मुख्तलिफ लोकेशंस पे काम सिमिलर हो रहा होगा, स्टैंडर्ड्स सेम होंगे और उनके अंदर आपस के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन होगी रिगार्डिंग दैट आईएसओ स्टैंडर्ड। यहां तो ये जीरो है। अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं कि आईएसओ के हवाले से ये व्हाट इज स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हर चीज को उसके एवरीथिंग विच इज फिट फॉर इट्स पर्पस, हर वो चीज जो अपने पर्पस के लिए डिजाइन की गई हो वो उस पर फिट। ठीक है, सामने आपके पेन है जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, अगर ये अपने पर्पस पे पूरा उतर रहा है इट मींस दिस इज अप टू द स्टैंडर्ड। ठीक है, मैंने सूट पहना हुआ है, ये किसी भी कंपनी ने बनाया कि इट इज फिट टू मी, मैं ये कहूंगा कि भाई इट इज ऑन माय स्टैंडर्ड, ये मेरे स्टैंडर्ड पे है, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड पे है। इसके अंदर कपड़ा कौन सा इस्तेमाल हुआ है, अच्छा कपड़ा कैसा है, उसकी रॉ प्रोडक्ट कैसी है, वो कैसे डिजाइन किया गया है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, तो एवरीथिंग विच इज फिट फॉर इट्स पर्पस, हर वो चीज जो अपने पर्पस में फिट हो, अपने जिस मकसद के लिए वो डिजाइन की गई है वो स्टैंडर्ड भी कहलाता है, या उसको हम दूसरे अल्फाज में क्वालिटी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्वालिटी भी कह सकते हैं, उम्दगी। ठीक है, तो हियर अगर वो अपनी पर्पस पे पूरा कर रहा है तो हम उसको कहें क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, स्टैंडर्ड वाइज भी अच्छा। तो आईएसओ का मकसद क्या था, जो भी चीज बनाई जा रही है, जो भी स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है वो अपने पर्पस पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, इंटरनेशनली आईएसओ का काम ये है, एवरीथिंग इज फिट फॉर इट्स पर्पस, जिस
पर्पस के लिए इंसान, आप इंसान की एग्जांपल ले, इंसान भी किसी मकसद के लिए बनाया गया है, अगर वो अपने पर्पस पे फिट नहीं है तो ये सबसे बड़ा कहते हैं डिस्टर्बिंग है, इज अ डिस्टर्बिंग फॉर अदर्स, इज डिस्टर्बिंग फॉर द नेशन, एक मुल्क के लिए वो बहुत सारे मालिक के लिए नुकसान दे। तो स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं, हर कंट्री के अपने स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आईएसओ की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो आईएसओ का काम स्टैंडर्ड डेवलप करना है, और स्टैंडर्ड की तारीफ क्या है, स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज जो अपने पर्पस पे फिट हो, अपने पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो डिजाइन की गई है उस पर्पस पे फिट बैठ रही हो तो स्टैंडर्ड कहलाता है। तो इंटरनेशनली आईएसओ का काम स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है। अच्छा, अब आ जाए, अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूं, सम डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, सम वेल नोन स्टैंडर्ड्स, आईएसओ की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको स्टैंडर्ड की डेफिनेशन मिल जाएगी और कुछ वेल नोन स्टैंडर्ड्स भी मिल जाएंगे, और कुछ स्टैंडर्ड्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि आईएसओ कैसे उन स्टैंडर्ड्स को, कितने स्टैंडर्ड अब तक डेवलप हो चुका है, मोर देन 22,000 स्टैंडर्ड्स डेवलप हो चुके हैं। लेकिन यहाँ बताना जो है वो मकसद ये है कि सम वेल नोन स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आईएसओ ने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया था जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था, मैंने आपको बताया 9001, ठीक है, और ये इसका फोकस था इसमें QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इट वाज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि दैट इज नॉट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, बाकी है कि क्वालिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होती है, फूड सेफ्टी क्या होती है, इनमें कहाँ फर्क आता है और कहाँ एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जाते हैं वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, नंबर टू हो गया आपका आईएसओ 4001, दैट इज आवर ईएमएस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आईएसओ के कोड के साथ है 4001, और एक और आपका अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ISO 45001, that is our HSMS, ये क्या है हमारा, ये है हमारा health and safety management system, जिस पे जो मैंने आपको बताया कि it was first designated as OSAS, OSAS 18001, इससे पहले यानी ISO को adopt करने से पहले ये स्टैंडर्ड्स ओसास के नाम से ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज के नाम से पब्लिश था और ओसास ही इसको अप्रूव करता था, लेकिन बाद में इसको 2018 में शायद था 2018 के अंदर इसको ओसास से आईएसओ में मर्ज कर दिया गया। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आईएसओ 45001 और इसकी पूरी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर से स्टैंडर्ड्स ये किसने डिजाइन किए, आईएसओ ने डिजाइन किए। नाउ दिस स्टैंडर्ड इज ये किसके पास चला गया है, आईएसओ के पास चला गया, बिफोर आईएसओ इट वाज फर्स्ट हैंडेड ओवर, तो नहीं कहेंगे ये फर्स्ट डिजाइन किया या फर्स्ट जो इसको लुक ऑफर करा था वो ओसास का 18000 के नंबर से। फिर एक और हमारा स्टैंडर्ड आया था व्हिच इज वेरी मच रिलेटेड टू द फूड और ये 22000 सीरीज के साथ था और इसका था FSMS, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आईएसओ 2001 और आईएसओ 2001 जो है फूड सेफ्टी यानी इसका पर्टिकुलर एरिया था सिर्फ फूड सेफ्टी, मतलब वो होटल्स या वो शॉप्स या वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जिसके जहाँ पे फूड के हवाले से काम हो रहा है, फूड इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, जैसे कैंडीलैंड है या इंटरनेशनली जो है वॉल का फूड है या वॉल्स है, ये फूड सेफ्टी के हवाले से काम कर रहे होते हैं, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े फाइव स्टार होटल हैं, तो आईएसओ 2001 में काम कर रहे होते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, ठीक है। इसी का एक स्टैंडर्ड आया, इसका मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी, ये मैंने उसको लास्ट टाइम पढ़ाया था आईएसओ
ये था आपका 5001, ये था हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फर्क क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फर्क जस्ट क्या है एन का। एनर्जी में यू हैव टू राइट अ स्मॉल एन। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम दैट कम्स विद द कोड 5001 और इसमें जो इसको नंबर दिया गया है वो 14000 नंबर था। तो यहां पर्टिकुलरली ईएमएस के बारे में बात करेंगे। फिर इसी तरह और बहुत से स्टैंडर्ड्स है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आया 32000 के नाम से, सिक्योरिटी लाइन। तो ये कुछ वेल नोन स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए और ये मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के एप्लीकेबल होते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम आपको हर जगह मिलेगा, हर इंडस्ट्री मिलेगा क्योंकि हर इंडस्ट्री एनर्जी से ताल्लुक है उसका। इस तरह फूड सेफ्टी आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री मिलेगा या इंडस्ट्री में हो सकता है ना मिला, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स वो है जो कि नॉर्मली हर हर इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे आपकी फार्मा हो, चाहे आपकी टेक्सटाइल हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे आपका गार्मेंट सेक्टर हो, चाहे हमारा जो है ऑयल सेक्टर है, चाहे हमारा इंक सेक्टर है, प्रिंटिंग सेक्टर है। और एक आर इंडस्ट्रीज का मैंने काम किया था तो जो कि प्योरली इस पे काम कर रही थी, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन प्रिंटिंग सॉल्यूशंस। प्रिंटिंग मतलब वो जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है वो इन तीनों स्ट्रैंड्स पे काम कर रहे थे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि जिसमें ये खासतौर पर 1, 2, 3 और 4 ये चार स्टैंडर्ड्स नॉर्मली एप्लीकेबल होता है एवरी इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री में एनर्जी की जरूरत होती है, आपको बिजली बिजली बचानी है, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, तो वहाँ पे आप ईएमएस लगाएंगे। हमारे यहाँ पर ईएमएस को फॉलो कर रहे हैं, अलग्रम फॉलो कर रही है। इसी तरह ये तीन स्टैंडर्ड हैं, ये मैंने अक्सर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर ये स्टैंडर्ड्स अडॉप्टिव होते हैं। एजिलिटी कंपनी हमारे पास इन तीन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही है, तो हम इन्हीं को साथ लेकर फोकस करके चलेंगे। अच्छा, फर्क एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको आपके के अंदर एमएस मिलेगा। मतलब एमएस स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट सिस्टम। ज्यादा अगर मैं बताऊं कि ईएमएस है, बाय टॉक अबाउट दिस इज क्यूएमएस, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एमएस मौजूद है। मतलब मैनेजमेंट सिस्टम की बात आपको हर जगह मिलेगी। अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट की तो ईएमएस हो गया, अगर मैं बात करूं हेल्थ एंड सेफ्टी की तो एचएसएमएस हो गया। तो ये चीज आपको हर जगह मिलेगी, मतलब मींस कि मैनेजमेंट सिस्टम का लफ्ज आपको हर जगह मिलेगा। मतलब ये है कि आईएसओ का काम इंटरनेशनली किसको डेवलप करना है, मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है। रिगार्डिंग दैट स्टैंडर्ड क्वालिटी है तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड उसका मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्दर मैं बताऊंगा कि मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या बातों की जरूरत होती है, कौन कौन से पॉइंट्स वो जो कॉमन है इन तमाम मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स के अंदर। अब आ जाइए मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो गई। एक शब्द मैंने आपको बताया था, दैट इज आईएमएस। IMS stands for Integrated Integrated Management System। Integrated Management System कभी आपने लफ्ज सुना होगा, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन हम IMS पे काम करते हैं। IMS से क्या मुराद है, IMS से मुराद Integrated Management System, इंटीग्रेटेड लीड। एग्जांपल मैं आपको दूंगा, व्हेन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन बता दूंगा आपको। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अडॉप्टिंग या वर्किंग ओवर मोर देन वन स्टैंडर्ड एट द सेम टाइम, तो ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से ज्यादा स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही है, यानी कहते हैं आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आपने एक बार सुना होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्या मतलब, या दो और मोर देन 2, दो या दो से ज्यादा स्टैंडर्ड्स को साथ मिलकर चला रहे हैं। पहला नाम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, पर इसका कोई भी कंपनी एजिलिटी एक
मशहूर कंपनी है फिलहाल कुवैत की है, जिसका काम क्या है, ये वेयर हाउस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। तो अब ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में बिलीव करती है, मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रही है। इनका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, दो या दो से ज्यादा स्टैंडर्ड्स पे एट द सेम टाइम काम करना। आईएसओ ने जो अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड है, मतलब वो दो या दो से ज्यादा स्टैंडर्ड्स एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं। उनको ऐसा बनाया गया है, फ्लेक्सिबल है, ऐसे फ्लेक्सिबल है कि देखते हैं इंटीग्रेटेड भी वर्क विद ईच अदर, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि उसपे ऑर्गेनाइजेशन का पैसा अलग से खर्च ना। तो भारत ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम पे आईएसओ ने वर्क करके उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ओवर मोर देन टू और मोर देन दो या दो से ज्यादा पे काम कर रही है, तो द स्टैंडर्ड्स द मैनेजमेंट सिस्टम आर सपोज टू बी आर सेट टू बी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का कांसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अच्छा, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट सिस्टम क्या, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, आईएसओ का क्या काम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स आर अडॉप्टेड स्टैंडर्ड्स है, कंपल्सरी या बाय फोर्स नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, और इसी तरह आईएसओ ने अब तक मोर देन 22,000 स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया है और बहुत सारी कंट्रीज इन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही हैं, और इन स्टैंडर्ड्स की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि अगर कोई कंपनी इसको अडॉप्ट करती है तो उसकी प्रोडक्ट को कंसिडर किया जाता है कि प्रोडक्ट भी अच्छी हो। तो बाकी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि तीन स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट कर रही है, जिसके अंदर क्या हो गया हमारा QMS, HSMS और EMS। ये तीन स्टैंडर्ड्स हैं, ये QMS मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज टोटली रिलेटेड टू क्वालिटी। ये है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, और ये है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ये तीनों स्टैंडर्ड्स इंटीग्रेटेडली काम कर रहे होते हैं, और यही तीन क्या लेकर आते हैं, आईएमएस। तो बास कंपनीज में सिर्फ दो भी होते हैं, मैं बास कंपनीज का विजिट किया तो उन कंपनीज ने क्या किया था, QMS और EMS किया। बास कंपनीज इनसे भी ज्यादा ले लेती, सिक्योरिटी का भी डाल देती, बास कंपनीज इन तीनों को अडॉप्ट करती है। लेकिन ये तीन स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू अडॉप्ट, इसको अडॉप्ट करने जा रही है और इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट करती है। इसको हम इस मिक्सचर को कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन तीन में हम आपको कॉमन डिफरेंस बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फर्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिक्स दे गेट इंटरमिक्स, एनवायरनमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी को मिक्स कर देते हैं। और आपने कभी इसकी जॉब भी देखी होगी, अगर इसकी जॉब आती है तो QHSE के नाम से आती है या HSEQ के हवाले से आती है, नहीं HSEQ, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी। ये आवाज आ रहा है क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। सो हियर वी हैव थ्री स्टैंडर्ड्स, वी हैव थ्री स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। सो दीस स्टैंडर्ड्स आर कंबाइंड टू वन, ये वन हो गया, ये नजर नहीं आ रहा शायद आपको, ये टू हो गया और थ्री, ये तीन स्टैंडर्ड्स आपस में इंटीग्रेटेड काम कर रहे हैं। बाहर जगह पे क्वालिटी नहीं होता, HSE होता है, सिर्फ हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट होता है, बाहर जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं होता, एनवायरमेंट एंड क्वालिटी होता है, डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बाहर ये मैं आपको साथ बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, ये तीनों में फर्क क्या है। देखिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि इन इन तीनों में डिफरेंस कहां आता है। नॉर्मली द पीपल गेट इंटरमिक्स्ड, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंट के हवाले से, यानी अगर मैं HSE की बात करूं तो पीपल गेट इंटरमिक्स्ड, लोग इसको मिक्स कर देते हैं,
इवन अगर मैं क्वालिटी की बात नहीं करूँ तो दे गेट इंटरमिक्स दीज थ्री स्टैंडर्ड्स। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कहाँ पे ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और कहाँ पे ये हेल्थ एंड सेफ्टी, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें स्पेशली दीज टू स्टैंडर्ड्स द पीपल गेट इंटरमिक्स, लोग इसको मिक्स करते हैं, फर्क क्या है इन दिनों? देखिए मार्कर है, रिपोर्ट मार्कर है डॉलर कंपनी का और ये एक और मेरे पास मार्कर है जो कि मर्करी कंपनी का है, ठीक है। आई हैव टू डिफरेंट कंपनीज। क्वालिटी के बारे से बात करूँ तो क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी ये है कि विच इज रिलेटेड, क्वालिटी का ज़्यादातर ताल्लुक कस्टमर सेटिस्फेक्शन से होता है। क्वालिटी का फोकस क्या होता है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। कस्टमर यानी आपकी प्रोडक्ट, how the quality, how the standard has been adopted by the organization to produce a good quality। मार्कर है, ये मार्कर मैं क्यों खरीद रहा हूँ? मैं दूसरी कंपनी का क्यों नहीं खरीद रहा? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये कपड़ा मैंने पहना हुआ है, मैं कहूँगा कि इस कंपनी का मुलायम कलर की पहन रहा हूँ, अंतर कलर की पहन रहा हूँ। या अगर बाहर के ब्रांड्स की बात करें तो मैं शूज उसी इंग्लिश बुक हाउस की ले रहा हूँ, ठीक है, हश्वा की स्कीम ले रहा हूँ। ये बेस कर रहा है क्वालिटी पे। तो क्वालिटी मीन्स जो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमारा फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मिली देता हूँ क्वालिटी इज फोकस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर मुतमईन कितना हो गया उस प्रोडक्ट से, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, दैट इज बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने शूज पहना है कस्टमर, मैं आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद माय प्रोडक्ट्स, सो इसका मतलब इस कंपनी की क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी का ताल्लुक प्रोडक्ट से होता है, यानी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में आ रही है वो उसकी क्वालिटी कैसी है। बाजार आपको प्रोडक्ट मिलती है, बाजार आपको सर्विसेज मिलती है, ठीक है। बाजार सर्विसेज कैसे मिलती है? एक बैंक है उसने क्यूएमएस अडॉप्ट किया है, बैंक तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहा, कोई स्कूल को कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्यूएमएस अडॉप्ट किया है, तो वो प्रोसीजर्स पे क्वालिटी लगा रहे, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सब तक सेटिस्फाई है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं कि भाई इस ये मार्कर था, इस मार्कर के बनने में इस कंपनी के अंदर डॉलर कंपनी के अंदर कितने पर्सन काम कर रहे हैं, सपोज द पीपल टू मेक दिस प्रोडक्ट आर सपोज टू 8,000 एवरेज क्या है पर एनम, सालाना ये कि 800 बंदे इस पे काम कर रहे हैं। उन 800 बंदों में क्या है, उसने क्वालिटी वाले भी हैं, उसके अंदर जो है रॉ मटेरियल वाले भी हैं, इंक वाले भी हैं, इसमें इस्तेमाल होगी इसमें प्लास्टिक आ रहा है, वो प्लास्टिक वाले भी जो है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कटिंग पे है, जो डाइस पे है, जो रॉ मटेरियल लेके उसकी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से लेकर आखिर तक, तो उसके अंदर जितना स्टाफ यूज हो रहा है, जितनी वर्क फोर्स यूज हो रही है, वो उसको उसकी हेल्थ को सेव करना, दैट इज पर्टिकुलरली डील विद आईएसओ 45,000 की हेल्थ एंड सेफ्टी। यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी में ताल्लुक इंसान से है, ह्यूमन से, वो ह्यूमन जो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा है, जो वो ह्यूमन जो ये मार्कर बनाने के अंदर यूज हो रहा है, उन सबको हेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड करना। ये ना एक बंदा एक से काम कर रहा है, अजीब तो भाई क्या हुआ, 10 साल काम किया कैंसर हो गया क्योंकि फ्यूम जा रहे थे, ठीक है। इसी टाइम पर जनरेटर पे काम कर रहा था, इस मार्कर से बनाने में उसकी कुवत समाधि चली गई, ठीक है। तो बाहर ये हेल्थ एंड सेफ्टी का बेसिक ताल्लुक ह्यूमन से है, हैजर्ड और इंसान से उसका ताल्लुक है, यानी ह्यूमन कितने कंज्यूम हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, कितने यूज हो रहे हैं, कितनी बार वर्क लग रही है, और उनको आप कितनी हेल्थ एंड सेफ्टी दे रहे हैं। कटर के नाम के एक बंदे ने हाथ कट गया, उसका मतलब अब वो बुक्स बना रहा है, प्रोडक्ट हमारी बुक है,
लेकिन उसके अंदर जो वर्कफोर्स काम कर रही है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का टांग टूट रही है, कुछ लिप के गिर रहा है, दैट इज पर्टिकुलरली फील अंडर दिस स्टैंडर्ड आई कैन से योर लास्ट वन इज एनवायरनमेंट। अच्छा एक तो क्या क्वालिटी टेस्ट की वो क्वालिटी पे चला, दूसरा इसके अंदर मंदे कितने इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको सेफ कैसे करना है ताकि वो परेशान ना हो किसी भी हवाले से, तीसरा ये कि प्रोडक्ट जो बन रही है इससे हमारा एनवायरनमेंट कितना खराब हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट बन रही है, इस प्रोडक्ट के बनने के अंदर क्योंकि आपको बिजली चाहिए, ठीक है, बिजली चाहिए तो यू नीड जनरेटर्स, आपको जनरेटर चाहिए, आपने बड़े बड़े 3 या 4000 केवी के जनरेटर लगा दिया, उससे एयर एमिशन हो रही, तो एयर एमिशन हो रही इसका मतलब कि आपकी एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। नाउ यू आर फोकसिंग ऑन दिस एरिया, ये आपका एयर सेफ्टी के अंदर नहीं जाएगा, एयर सेफ्टी के अंदर जब जाएगा अगर उसके पास उसके सर पे खड़े होकर कोई काम कर रहा है और उन फ्यूम्स को इनहेल कर रहा है तब वो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जाएगा। हाँ अगर एयर के अंदर आप जनरेटर तक पहुंच जा रहा है तो इसका मतलब स्मोक क्या है, इसलिए ठीक है, तो यहाँ आप इंटरमिक्स नहीं कीजिएगा। नॉइस अगर डायरेक्ट एनवायरनमेंट में जा रहा है तो वो डैमेजिंग का एनवायरनमेंट, अगर वो इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है तो इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। तो कौन कितना पानी इस प्रोडक्ट के बनने में यूज हो रहा है, ठीक है, और वो वेस्ट वाटर की शक्ल में किस तरह ड्रेन हो रहा है, ये दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो हेल्थ एंड सेफ्टी एक अलग एरिया है, एनवायरनमेंटल एक अलग एरिया है, क्वालिटी एक अलग एरिया है, बट दी स्टैंडर्ड्स वर्क टुगेदर इंटीग्रेटेडली। तो ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम को, गैस स्टैंडर्ड्स को हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक बात।